जिला किसान कांग्रेस पार्टी मुंगेली ने केंद्र सरकार के कृषि संशोधन बिल के विरोध में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि संशोधन बिल वापस लेने संबंधी ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा। वहीं दिलीप बंजारे जिला अध्यक्ष सेवा दल का कहना है, जो केंद्र सरकार ने कृषि संशोधन विधेयक बिल 2020 में नवीन अधिनियम लगाया गया है वह जनहित में नहीं है, ये किसान मजदूरों के लिए जन विरोधी है। इस बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि आवश्यक वस्तुओं की देश में महंगाई बढ़ेगी। किसान मजदूर अधिकार एवं सत्याग्रह एक दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है और हम नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किसानों के लिए कृषि संशोधन बिल जो लाए हैं और किसान के अहित में लाए गए हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। और हमने कलेक्टर के माध्यम से इस राज्य महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया।